अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर सुपरली अमेजिंग एंड डिलीशियस वीडियो वंस अगेन। तो अभी हम लोग मौजूद हैं जी बरकत मार्केट फूड स्ट्रीट में, जो कि गार्डन टाउन में मौजूद है। ये लाहौर की एक फेमस फूड स्ट्रीट है। ये आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सारी बरकत मार्केट की फूड स्ट्रीट है। और ये एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ पर आप हर किस्म का खाना खा सकते हैं। आपको यहाँ पर देसी फूड, उसके अलावा चाइनीज़, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ से मिल सकता है। और आज हम लोग यहाँ पर जो है वो ट्राई करने वाले हैं किंग स्टेक, और इनकी स्टेक जो कि बहुत ज़्यादा, मैं इसका बेसिकली पर्सनली तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। आज हम लोग ये ट्राई करेंगे, इसकी मुकम्मल फूड रिव्यू देखेंगे, टेस्ट करेंगे इसको, और मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं, वाई दिस इज़ सो स्पेशल। मैं आपको बताता चलूँ जी, मैं अभी मौजूद हूँ किंग स्टेक के साथ, और भी काफ़ी स्टेक वाले बैठे हुए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेस्ट टेस्ट है वो ये किंग स्टेक वालों का है जी, इनके किचन में। और यहाँ पर हम जो है वो स्टेक बनने का प्रोसेस जो है वो अपनी आंखों से देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक बहुत बड़ी ग्रिल पे ये चिकन लगाया जाता है, जो कि मैरिनेटेड चिकन है, और इस पर ग्रिल के ऊपर लगा ग्रिल किया जाता है। यहाँ पर काफ़ी मकदार में जो है वो चिकन, मैरिनेटेड चिकन पड़ा हुआ है। इसके अलावा इसके साथ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास तैयार शुदा चिकन जो कि ग्रिल कर लिया गया, वो भी मौजूद है। उसके साथ फ्राइज़ वाला कोट है, यहाँ पर फ्राइज़ तैयार की जाती हैं जो कि स्टेक में डाली जाती हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर जिंगर पीसीस पड़े हुए हैं जो कि स्टेक के अंदर। सबसे पहले जी स्टेक बनाते हुए ये आइसबर्ग डाली गई है, इनके इनकी बड़ी स्पेशल किस्म की मेटल की ट्रेज हैं जो कि इस ग्रिल के ऊपर रखी जाती हैं ताकि ये हीटेड रहें और ज़्यादा देर तक जो आप अपनी स्टेक है उसको गर्मा गर्म खा सकें, मतलब उसमें जो हीट है वो ज़्यादातर देर तक ठहर सके, मतलब जो हीट है वो ज़्यादा देर तक ठहर सके। सबसे पहले इसमें आइसबर्ग आ गई, उसके ऊपर एक एक जिंगर का पीस आ गया जी, ये आइसबर्ग के साथ एक एक जिंगर का पीस आ गया। अब जी है ये जिंगर और ये सब कुछ लगाने के पास इसके अंदर जो है वो दो दो तीन तीन पीसीज जो है वो ग्रिल चिकन के आ जाते हैं। ये ग्रिल हुआ चिकन है जो कि इस ट्रे के अंदर जाएगा। इसमें ऑलरेडी से हमारे पास आइसबर्ग और जिंगर का पीस मौजूद है, तो इसमें दो से तीन पीसीज जो हैं वो हमारे पास ग्रिल चिकन के जाएंगे। वो स्टेक लग रही है, इसमें आप चिकन की क्वांटिटी चेक करें। उसके बाद इसके अंदर ये साल्सा सॉस डाली जाती है, ये चिकन की साइडों पे साल्सा सॉस डाली जाती है जो कि, उसके बाद इसके ऊपर ये आ गई थी मस्टर्ड सॉस, ये तमाम के अंदर मस्टर्ड सॉस डाली जाती है। उसके बाद ये मायोनीज आ गई, पेरी पेरी सॉस है जी, पेरी पेरी सॉस आई, मस्टर्ड सॉस आई है, उसके अलावा इसके अंदर साल्सा सॉस आई है, उसके बाद ये एलापिनोज और ये तमाम चीज़ें डाली जाएंगी इसके अंदर। ब्लैक ऑलिव डाले हैं इन्होंने, एलापिनोज डाले हैं, ये डालने के बाद अब इसमें सिर्फ एक चीज़ मिसिंग में है, वो है फ्राइज। फ्राइज डालने के बाद इसके ऊपर लगी सॉसेज डाली जाएंगी, और उसके बाद ये स्टेक जो है ये तैयार हो जाएगी। अब इसके अंदर आ जाएंगी जी फ्राइज, ये फ्राइज़ की क्वांटिटी भी चेक करें, ये फिंगर फ्राइज़ हैं, क्रिस्पी फिंगर फ्राइज़ जो कि पहले फ्रायर में तैयार की जाती हैं, उसके बाद ये स्टेक के अंदर जो है ट्रे के अंदर लगाई जाएंगे। अंदर ये मज़ीद जो है फ्राइज़ के ऊपर ये पेरी पेरी सॉस डाली जाएगी और मस्टर्ड सॉस और बाकी सॉसेज डालकर ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये इसके ऊपर आ गई थी मस्टर्ड सॉस, अभी ये रेडी है, ये इसके ऊपर और कोई चीज़ आएगी? अच्छा, इसके ऊपर एक चीज़ लास्ट सीन रह गया, वो ये है कि इसके ऊपर बाजी की सॉस आएगी, और मेरा ख्याल है कि हॉट सॉस भी जाएगी या बस तक। अच्छा, अब इसकी मज़ीद गार्निश होगी जी, ये इसके ऊपर सैलड वगैरह डाला जा रहा है जो कि फ्रेश सैलड है, ये पहले इन्होंने तैयार करके रखा हुआ है, वो डाला जाएगा जी। ये सैलड वगैरह आ गया और अब ये तैयार है जी, चेक कर लीजिए इसके, मैं क्लोजअप शॉट ले रहा हूँ, और जिससे आपको टेस्ट का वैसे ही अंदाज़ा हो जाएगा इतनी प्यारी शक्ल देखकर। ये आ गया जी हमारा ऑर्डर स्टेक का, जैसा कि मैंने आपको इसी कंप्लीट जो है तैयार होने का जो इसका तरीका है वो दिखाया है। उसके बाद जो है ये हमारी स्टेक है, और भूखे आदमी अपनी खा, ये स्टेक है, और ये इसमें है ग्रिल चिकन के पीस, ये ग्रिल चिकन के पीसीज हैं। उसके बाद ये सारी फ्राइज़ हैं, और उसके बाद ये जिंगर का पीस है यहाँ पर। सबसे पहले मैं थ्री प्रोसेस टेस्ट करूँगा, पहले मैं चिकन को टेस्ट करूँगा, उसके बाद फ्राइज़ को टेस्ट करूँगा, फिर जिंगर का पीस टेस्ट करूँगा। अभी मैं कर रहा हूँ कि चिकन का पीस जो ग्रिल चिकन का पीस है सॉस के साथ इसको टेस्ट फुली कुक्ड है जी, और आप इस पीस के लश्कारे चेक करें, ये फुली कुक्ड है, और इसका टेस्ट सॉसेज की वजह से मज़ेदार है,
ये बेस्ट हो गया। उसके साथ फ्राइज में एलापिनोज और ब्लैक ऑलिव सारा कुछ मौजूद है। सो टेस्ट करते हैं। डिफरेंट किस्म के सॉसेज के साथ जो फ्राइज का टेस्ट है वो भी बेस्ट हो जाता है। उसके ऊपर दो से तीन किस्म की सॉसेज हैं जिसमें मैंने आपको मेकिंग के दौरान दिखाई है सॉसेज। अब हम जो है इनका जिंगर पीस, क्रिस्पी जिंगर पीस को भी ज़्यादा कर लेते हैं। मैंने जिंगर पीस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आ गया जिंगर पीस और ये भी हमने खा लिया जी। और एज यूजुअल कंप्लीट का टेस्ट परफेक्ट है विद दैट चिकन पीस एंड व्हेन यू डिप इन सॉस। और सॉस में डिप करने के बाद जब आप इसको खाते हो ये आपके मुंह में एक ऐसा टेस्ट होता है यू वॉन्ट बिलीव कि मैं इनकी जो स्टेक है ये कई दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ। और मैंने आज सोचा कि मैं आपको भी जो है इसका कम्प्लीट रिव्यू दूँ ताकि आप लोग भी यहाँ पर आकर जो है इनकी स्टेक ट्राई कर सकें। इसका जो प्राइस टैग की बात करें तो ये वाली जो है सिंपल है, 380 की है। इसके अलावा एक इनकी जिम्बो होती है फिलिंग, वो क्योंकि हैवी हो जाना था इसलिए जो मैंने वो सिंपल वाली लगवाई है ताकि वो ईजीली खा सकें, इसको फिनिश कर सकें। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जिम्बो लगवाई थी क्योंकि मैं फिनिश नहीं कर पाया था, इसलिए इस दफ़ा मैंने कहा ज़ाया हो जाएगी तो जिम्बो नहीं लगवाते। विद दैट क्रिस्पी जिंगर नेमें तो अपनी ख़त्म कर ली है और जो मेरी है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ खाने की, क्योंकि ये इतनी हैवी हो जाती है, इसकी क्वान्टिटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये एक हेल्दी पर्सन के लिए जो कि हमारे जितना इतना ज़्यादा खा सकता हो वो मैं कम्प्लीटली नहीं खा सकता। मेरे साथ वाला जो मेरा बंदा है वो एक्सेप्ट ज़्यादा खाता है, उसका कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मेरे पे भारी है भाई, अभी भी थोड़ी सी रह गई है तो अभी इसको हम ख़त्म करेंगे और ख़त्म करने के बाद वीडियो के एंडिंग पे मिलेंगे। ओके तो यार बड़ी मुश्किलों के बाद आई एम डन विद इट, ये बच गया, इसको पीएंगे और फिर हम यहाँ से चल जाएंगे। चलो पीते हैं इसको। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग जो है वो रेगुलरली इस तरह की मज़े की जो प्लेसेस है उनको एक्सप्लोर करते रहते हैं ताकि आप तक वो चीज़ें तमाम पहुंच सकें। अल्लाह निगहबान।